काम धंधा वो कंडा है मेरे हाथ पाल। कहाँ से लाए? मुहर्रम निकले थे अपने यहाँ, अपने गाँव के अंदर मुहर्रम निकले ना। मुझे वीडियो बनाने देंगे? वीडियो बनाने दो ना, लोगों को फायदा होगा। हाँ तो क्या कह रहे हैं आप? हजरत इमाम हुसैन, नहीं एक मिनट एक मिनट, भाई साहब नहीं नहीं बोलने दो ना भाई। हाँ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन का कंडा ही कंडा वो धागा बांधा है उसको। कब? मुहर्रम में? मुहर्रम के दिन। कौन बांधता है इसको? वो ही बांधता है जो वो उनका वो रहता है ना, मतलब मुजावर। मुजावर कहाँ? दरबार पे? वही वो नहीं, उन्हीं के दरबार में वहाँ वो निकलते ना मुहर्रम, उस दिन भी मानता है वो। कौन सा दरबार? वहाँ जहाँ निकलते हैं। अच्छा तो आप किस जगह से हैं? हम पलायता से हैं, कोटा राजस्थान से। राजस्थान कोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शिया लोग होते हैं या सुन्नी लोग? सुन्नी लोग हैं। सुन्नी लोग तो मुहर्रम तो शिया मनाते हैं? नहीं नहीं सुन्नी भी मनाते हैं। सुन्नी भी मनाते हैं। तो भाई साहब देखिए, आप जानते हैं यही धागा मंदिर में हिंदुओं को देता है पंडित, और यही धागा आपको दरबार से दिया है मुसलमान ने। धागा इस्लाम में धागा नहीं है, अगर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में धागा दिया जाता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धागा देते लोगों को, उमर उस्मान अली और हसन हुसैन यहाँ से धागा देते लोगों को, है ना। इस्लाम में धागा नहीं, धागा है गैर मुस्लिमों के यहाँ, या जो गैर मुस्लिमों के तरीके पे चलते हैं, जो गैर मुस्लिमों के रास्ते पर चलते हैं। इस्लाम में धागा नहीं। माशाल्लाह, शुक्रिया बच्चे। अब इसके बाद धागे को मत बांधिएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ मदीने में और मस्जिद नबी में बहुत बड़े गुनाह से बचा दिया, अल्लाह से माफ़ी मांगी। इमाम हुसैन का कोई धागा नहीं है, इमाम अली का कोई धागा नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का कोई धागा नहीं है। ये लोगों ने धागे बना कर के गैर मुस्लिमों का तरीका ईजाद किया है, गैर मुस्लिमों का रास्ते पे लोगों को डाला हुआ है। नहीं अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह तू तौबा कबूल करने वाला है, मेरे तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह तू तेरे हबीब के तौबा कबूल करने वाला है, मेरे तौबा को कबूल फरमा। मेरे तौबा को कबूल करने वाला है, किसी का मुताल न कर। चलिए अच्छी है ना बच्चे, शुक्रिया। हाँ जी आइए।